अस्सलाम वालेकुम YouTube चैनल एमएस पे खुशामदीद कहा जाता है। तो आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और इसको बड़ा जोश व खरोश से हमारे मसलक के भाई मना रहे हैं। तो इसके साथ हम भी थोड़ा एक्टिविटीज चेक करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं और मजीद आपको अपडेट करते हैं। तो जी ये है जी मरकजी जुलूस, एक मिंचनाबाद के लिए अब रवाना होना है इसने। बाकी आपको मजीद अपडेट बताते हैं इसकी। अब ये कैसा विलादत है कि यहाँ पे कवालियां चल रही हैं। तो जी ये कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको मनाजिर दिखाई दिए जाएंगे। किसी बंदे ने कलाम लगाया हुआ है, किसी ने सोना आया थे राज्य गए ने सज गए ना गलियां बाजार, कहीं पे कवालिये कहीं पे क्या चल रहे हैं। तो ये इस तरह की है जी कहानी। मैं जरा मियां साहब को देख लूं फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे जरा बताता चलो फिर शोर हो जाने कि पहले एक जुलूस को अलविदा किया उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की है, अब एक और जुलूस आ रहा है, ये खत्म होगा फिर कहीं और जाना है फिर कहीं और जाना है। मकसद है कि हर बंदा चाहता है कि आप हमारे जुलूस में भी आए। और इसके साथ साथ ये भी है कि एक जगह पे इकट्ठ नहीं होता, ये सभी अपने अपने इलाकों से निकलते हैं और एक जगह पे इकट्ठ कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की भी स्टोरी है यहाँ पे ना, वो भी आपको जरा आप दिखाते हैं। जैसे जैसे नजदीक हो रहे हैं नारे लगने शुरू हो गए हैं, वो भी आपको जरा सीन दिखाते हैं। तो ये है जी, क्लोज करके दिखाता हूँ। ज़ियारत करांगा, इत्थे रहांगा, उन्हां दे नाल खड़ा हो जावांगा, जे अगर ना आए तो मैं एक साल बाद आखिर बादशाह सी। अच्छा जी, तो अब सीन आगे का कुछ ऐसा है कि जलूसों से फ्री होने के बाद हम लोग एक मरकज पे पहुंचे। मरकज पे पहुंचने के बाद ये होता है कि वहां पर लोगों को खाना खिलाया जाता है, आराम करवाया जाता है, उसके बाद मजीद एक्टिविटीज होती रहती हैं, छोटा मोटा बयान भी हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी साथ साथ चलती हैं। अब सीन ये है कि इस कहानी का या इस सारे सदे बाप का मैं आपको एंड पे कंक्लूजन भी बताऊंगा, फिर फैसला आप करना है, क्योंकि मैं इसको बड़ी क्लोज नजर से देख चुका हूँ। चले मैं जरा ना गाड़ी सड़ी लगा लूँ साइड पे, फिर उसके बाद आपको अंदर जाके थोड़ा बहुत माहौल दिखाते हैं। वैसे मेला तो काफी हद तक गुजर चुका है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दिखाया जा सकता है और आपको एंड पे कहानी का सारा मॉरल भी बताते हैं। या मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन कौनैन, या मुहम्मदुन सैयदुल कौनैन कौनैन, या मुहम्मदुन। ये नन्हे सपाही जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, जो बड़े कहेंगे वो ही करेंगे। या मुहम्मदुन
तीन दिन पहले यहाँ पे चावलों की भरमार हो रही थी, सफाई हो रही थी, निकाले जा रहे थे और पके हैं वो। एक साइड पे लेडीज थी, यहाँ पर बयान हुए हैं और अभी जरा मियाँ साहब को ढूंढ लें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये किचन सेटअप है, जुनेद कादरी साहब भी खड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम, सर की हाल जी ठीक हो? नंबर तो दे यार, नंबर। लंगर शरीफ अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, मैं ऐसे ही समझ रहा था। और ये वो हैं जो लेटे हुए हैं खा पी के, आजम भाई, सलाकर भाई। आज इनकी ड्यूटी थी बड़ी जबरदस्त किस्म की। अस्सलाम वालेकुम और भगवान जी ठीक हो? किसी दिन आपको इस गाड़ी का भी रिव्यू दिखाएंगे, पीर साहब की गाड़ी। और ये पीर साहब का मदरसा, यहाँ मियाँ साहब खड़े हैं, लोगों से जरा गपशप करने, तो उसके बाद एक जगह पे गुलखानी पे जाएंगे, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। या मुहम्मद सैयदुल कौन है? तो यहाँ पे एक फातिहा खाने के कुल शरीफ के लिए आए थे और जहाँ से फ्री हुए। अच्छा, जो मैंने बात करनी है ना वो ये है कि आपने जलूस भी देखे, फिर किस तरह लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कई जगह पे मजालिस हो रही है, जिक्र हो रहे हैं, खुतबे हो रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज मतलब आपने देखी और ये चली हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जितने भी मसालिक हैं वो सारे के सारे इस बात पर मुतफिक है कि 12 रबी अव्वल को आपसे सल्लम की का विसाल हुआ था, ठीक है? तो अब समझ नहीं आती कि हम लोग उस दिन कर क्या रहे हैं, लेकिन कई जगह पे 9 रबी अव्वल, कहीं पे 8, कहीं पे 3 रजब, इस तरह के भी हैं कि आपसे सल्लम तब उनकी मिलाद हुआ, विलादत हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि यार हम जरा देखें, हम जरा सोचें कि हम लोग खड़े कहाँ पर हैं और कर क्या रहे हैं। ये तो एक छोटा बैकवर्ड इलाका था कि जिस तरह यहाँ पर इस तरह का मतलब उन्होंने एहतमाम किया। मैं कदर करता हूँ उन सब भाइयों की, लेकिन थोड़ा सा साथ हम ये भी देखें कि उस दिन मतलब है क्या। वस्सलाम। किसी को मेरी को बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं इंतहाई माजरत हूँ।